हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यूएस क्यूब टेक के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष खिलौत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जावा प्रैक्टिकल की सीरीज में आज का हमारा एम है जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज दी LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यूजर से दो नंबर इनपुट पर लेने हैं और उनका LCM पता करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में दो नंबर है 24 एंड 16। ठीक है, अब इन दोनों का वो लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर जिससे दोनों का क्या हो सके, मल्टीप्लीकेशन, कॉमन मल्टीप्लायर हो सके, वो भी कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा। ठीक है, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, एक नंबर कॉमन इन दोनों का क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, 16 3 48 और 24 2 48। ठीक है, तो ये लीस्ट नंबर है, आगे और भी नंबर हो सकते हैं बट ये क्या है, लीस्ट नंबर है, दैट इज दी LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो हमें यही पता करना है कि इन दोनों जो भी नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे उन दोनों का LCM क्या होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यूटिल जो पैकेज है इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, स्कैनर क्लास को भी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास का नाम रख देते हैं हम डेमो। ठीक है, दिस वन इज द स्कोप ऑफ दिस क्लास, और इस क्लास के अंदर बनाएंगे हम क्या, मेन फंक्शन। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक void main, और इसके अंदर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग args पास करेंगे। ठीक है, दिस वन इज द स्कोप ऑफ दिस मेन फंक्शन। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, और एक मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ system.out.println में, enter the first number। ठीक है, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं num1, और इसमें फर्स्ट नंबर को मैं इनपुट ले लेता हूँ ऐसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट int फंक्शन को हम कॉल करेंगे, नेक्स्ट int। ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया है, और इसी तरह से फ्रेंड्स मैं सेकंड नंबर को भी इनपुट में ले लेता हूँ, system.out.println enter the second number। ठीक है, enter the second number, और एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं num2। इस num2 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट int फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को फ्रेंड्स पास करता हूँ, एक LCM नाम का एक फंक्शन बना देते हैं हम, और LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, और LCM एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं, और दोनों जो num1 और num2 की जो वैल्यूज हैं फ्रेंड्स वो इस LCM फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, ये हमने LCM फंक्शन में पास कर दिया है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन जो लॉजिक जो है वो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, LCM निकालने का, तो यहाँ पर मैं एक स्टैटिक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main, void नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे int, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ इंटीजर टाइप की, और फंक्शन का नाम क्या है, LCM। और जैसा कि फ्रेंड्स हमने दो आर्ग्यूमेंट इसमें पास किए हैं, तो दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, फर्स्ट num, ये पहला आर्ग्यूमेंट मैंने नाम दे दिया है, और दूसरे आर्ग्यूमेंट को नाम दे देता हूँ मैं second_num। ठीक है, दिस वन इज द स्कोप ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन से एक इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, पास करेंगे, और जो वैल्यू पास होगी ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ से क्या किया है हमने, फंक्शन की कॉलिंग की है। ठीक है, सो फ्रेंड्स कुछ वेरिएबल्स की हमें और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट्स से max इज इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज कर लिया है, एक है वेरिएबल min। ठीक है, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ, दैट इज दी LCM, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स कंडीशन हम लगाएंगे, सबसे पहले वेरिएबल हम ले चुके हैं max, min और LCM, और एक वेरिएबल x। सो फर्स्ट जो नंबर है मेरा, ठीक है, फर्स्ट जो नंबर है
इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, अगर वो सेकंड नंबर से बड़ा है फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो मुझे क्या करना है इस केस में, मुझे करना है कि जो मैक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, मैक्स की जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है किससे, फर्स्ट नंबर से, ठीक है, फर्स्ट नंबर से मैक्स की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। इसी तरह से जो मैंने मिन वेरिएबल जो लिया है फ्रेंड्स, इसको भी मुझे क्या करना है, सेकंड जो वेरिएबल है इससे मुझे इसको अपडेट करना है, ठीक है। और एल्स केस में क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से जो है बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि जो मैक्स की जो वैल्यू है उसको अपडेट करना पड़ेगा किससे, सेकंड नंबर से, और जो मिन की जो वैल्यू है इसको मुझे फर्स्ट नंबर से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया दोनों वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, मैक्स और मिन का, मैक्स और मिन का दोनों का इनिशियलाइजेशन हो गया कि कब फर्स्ट नंबर बड़ा होगा या कब सेकंड नंबर बड़ा होगा, ओके। नाउ फ्रेंड्स, एक लूप की मुझे रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, फॉर लूप की, ठीक है। और फॉर लूप मुझे चलाना है कहाँ से कहाँ तक, इंटीजर, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा वन से। चलना कब तक है, ऑब्वियसली बात है जो मिन की वैल्यू है वहां तक मुझे चलना है, आई लेस देन इक्वल टू मिन, और आई को मुझे अपडेट करते रहना है, ठीक है। दिस वन इज द स्कोप ऑफ दिस फॉर लूप, ठीक है, ये मेरे हो गया फॉर लूप का स्कोप, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक्स जो एक वेरिएबल लिया है मैं, हमने इसको क्या करेंगे हम, जो भी मैक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि मिन तक चलना है तो मैक्स की वैल्यू को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो मैक्स इनटू आई, ठीक है। और फिर हमें ऑब्वियसली बात है मॉड निकालना है, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, सो एक्स मॉड मिन, ठीक है, एक्स मॉड मिन अगर वो बराबर है जीरो के, अगर वो बराबर है जीरो के, तो ये हमने इफ का स्कोप दे दिया यहाँ पर। सो एलसीएम नाम का जो एक वेरिएबल हमने लिया है जिसमें फाइनल हमारी वैल्यू आएगी, इसको मैं अपडेट कर दूंगा एक्स से, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ब्रेक कीवर्ड लगा देंगे, हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये हुआ इफ का स्कोप कंप्लीट हुआ, ये मेरे फॉर का स्कोप कंप्लीट हुआ, और ये जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है एलसीएम, इसका स्कोप कंप्लीट हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, एक एरर आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमको यहाँ इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करनी है। आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप दिया है फंक्शन का मैंने क्या, आईएनटी। तो जो एलसीएम की जो वैल्यू है, ठीक है, एलसीएम की जो वैल्यू है इसको मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। सो एलसीएम की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ पे क्या हुआ है, इस फंक्शन की कॉलिंग हुई है। तो जो भी एलसीएम का जो रिजल्ट होगा दो नंबर का, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। जो कंडीशंस और जो लॉजिक हमें अप्लाई करना था वो हम अप्लाई कर चुके हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार मैं रन करता हूँ, ठीक है। सो प्रोग्राम रन हो गया है, और फर्स्ट जो नंबर है मैं देता हूँ लेट्स से 24, और एक मैं देता हूँ 16, तो ऑब्वियसली बात है इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, 48। ये लीस्ट नंबर है, जिससे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। 16 टू ज़ा 48 और 24 टू ज़ा 48, ठीक है। आप और कोई दूसरा नंबर देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं देता हूँ, मान लीजिए 32, ठीक है, 32 एंड 14, ठीक है। इसका देखें एलसीएम क्या है, 224। ये वो लीस्ट नंबर है, ये वो लीस्ट नंबर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे दैट हाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, लॉजिक कैसे आपको लगाना है ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कंपेयर करना है, उसके बाद में जस्ट फॉर लूप से आपको जो है जो भी मॉड है वो निकालना है। अगर इक्वल टू जीरो है मिन वैल्यू के, तो वो नंबर जो एक्स है हमारा जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और जैसे एलसीएम आपको पता लग जाए तो आप ब्रेक कीवर्ड अप्लाई करके लूप से बाहर आ जाइए और उसको रिटर्न कर दीजिए, अगर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है तो। डायरेक्ट अगर ये लॉजिक आप मेन के अंदर भी अप्लाई करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है
प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।